हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है एचपी कंपनी के बारे में। एचपी कंपनी के अंडर जो टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट है उसके लिए वैकेंसीज निकली है फॉर द लोकेशन ऑफ बैंगलोर। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है यहाँ पे, आपका अगर एनी डिग्री, कोई भी इसमें ग्रेजुएशन आपका हुआ है तो आप डायरेक्टली एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपका 10th या 12th हुआ है लेकिन उसके बाद अगर आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक जनरल एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद में बात करेंगे कुछ स्किल्स की, क्योंकि वही स्किल्स आपको इंटरव्यू से आगे पहुँचाएंगी। सो यहाँ पे जो स्किल्स है सबसे इंपॉर्टेंट वो है रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपके अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कैड, एडोब सूट, प्रोग्रामिंग, थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके बाद में डेटा एंट्री उसके साथ, क्योंकि आपको ऑफिस पे काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह पे। उसके बाद में फ्लुएंसी इन लैंग्वेज टू बी सपोर्टेड, जो भी होगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस इन फोन बेस रिमोट रोल, ई सपोर्ट, ई चैट और सिमिलर, इसका मतलब ये रिमोट वर्क भी हो सकता है, तो आपको ये बारे में जानकारी होनी चाहिए। फेमिलरिटी विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड देन एक्सपीरियंस इन कस्टमर फेसिंग रोल, आइदर रिमोट और फेस टू फेस, तो कस्टमर के जो भी इश्यूज है वो भी आपको यहाँ पे देखने, तो ये चीज़ भी, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटर का जो है प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी प्रकार की हैं, वर्किंग फ्रॉम अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड यूटिलाइजिंग डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इश्यूज, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सम जजमेंट मे बी यूज टू सप्लीमेंट द आउटलाइन प्रोसेस, बिगिन टू प्रोएक्टिवली असिस्ट कस्टमर टू अवॉइड और रिड्यूस प्रॉब्लम अकरेंस, तो जो भी कस्टमर के इश्यूज या प्रॉब्लम्स होंगे उसको आपको असिस्ट करना है, सॉल्व करना है या फिर उसको आगे भेजना है। उसके बाद में आपका कस्टमर का रिलेशन भी आपको मेंटेन रखना है। उसके बाद में रिस्पॉन्ड टू सर्विस, प्रोडक्ट, टेक्निकल जो भी होगा उसको आपको रिएक्ट करना है, उसको आपको काम करना है, सच एज फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, रिपेयर्स और रिपेयर्स ऑन करंट एंड डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट पार्ट्स एंड ऑप्शंस बेस्ड ऑन द कस्टमर एंटाइटलमेंट। ओके, सक्सेसफुली रिजॉल्व सिंपल टू मॉडरेट टेक्निकल इश्यूज, तो जो भी आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करने हैं आपको बाद में उसके बारे में भी बताया जाएगा, फ्रॉम इनकमिंग कस्टमर कॉन्टैक्ट्स या फिर कुछ भी जो सिस्टम में नोटिफिकेशन आएंगे उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने हैं। ओके, तो एक बेसिक आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने मेंशन की थी वो बताई, बाकी सारी चीज़ें तो खैर ज़रूरी है लेकिन स्किल्स और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पस। ओके, तो इस पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप देख सकते हो 22 मार्च को ये पोस्ट किया गया है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करिए। इसका मैं लिंक जो है आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, आपको एचपी के साइट पे लेके जाके यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हर दिन ऐसे ही ऑफिशियल जो जॉब अलर्ट से आपको ये चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, हर दिन जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट या टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी पोस्ट होंगे उसके बारे में आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो बाकी भी वीडियोस जाके देखिए, बहुत सारे अभी जॉब जो है वो ओपन हो रहे हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल, ऑल द बेस्ट एंड कीप शेयरिंग, लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पता चले।